फाइनली एक्सेलरेट महीने के अंदर आपको साल की सबसे बड़ी सेल देखने मिलने वाली है, जो कि होने वाली फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। इनके अंदर आपको फोन के ऊपर बहुत सारे डिस्काउंट देखने मिलेंगे। तो सेल कब से स्टार्ट होने वाली, कौन सा आईफोन का कितना प्राइस होने वाला है, वो सब बताऊंगा मैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल कब से स्टार्ट होने वाली है। तो अगर देखा जाए हर साल के ट्रेंड के हिसाब से, तो सेल स्टार्ट होगी 23 से लेकर 27 के बीच में। तो आपको इस डेट के ऊपर सेल स्टार्ट होते देखने मिल जाएंगी फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों की तरफ से। दोनों की तरफ से आपको एक ही टाइम पे सेल देखने मिलेंगी। और बताया जा रहा है कि दिवाली थोड़ी सी लेट होने की वजह से सेल भी थोड़ी लेट हो सकती है। आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर भी सेल देखने मिल सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि आपको सितंबर के लास्ट वीक में ही देखने मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं सबसे लेटेस्ट आईफोन 14 सीरीज से। तो आपको आईफोन 14 सीरीज देखने मिल जाएंगी फ्लिपकार्ट के ऊपर। फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको आईफोन 14 जो है वो 48 से लेकर 50,000 के बीच में देखने मिलने वाला है। और अगर बात करें आईफोन 14 प्लस की, तो आपको आईफोन 14 प्लस देखने मिल जाएगा 58,000 से लेकर 60,000 के प्राइस रेंज में। और ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये बिना कार्ड ऑफर के। तो अगर आप कार्ड ऑफर लगाओगे तो आपको और भी कम प्राइस देखने मिल सकती है। लेकिन एक बात का याद रखना कि एक से दो मिनट के अंदर ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ वो बढ़ते जाएंगे, तो आपको ये प्राइस और भी ज्यादा इंक्रीज होते देखने मिलेंगी। तो जल्दी से रेडी रहना, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह सब फिल कर बैठना और 5 मिनट पहले ही बैठ जाना। सेल 12 बजे चालू होने वाली है, 11:45 पर ही रेडी रहना और जैसे ही सेल चालू होती है फटाक से अपना ऑर्डर बुक कर देना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सबसे कम प्राइस में अच्छे से अच्छा आईफोन देखने मिल जाएगा, वरना आपको 1 से 2 हज़ार महंगा लेना पड़ेगा। और अगर बात करें आईफोन 13 की, उसकी क्या प्राइस होने वाली है, क्योंकि ये जो फोन है वो सबसे ज्यादा बिकने वाला है इस सेल के अंदर। सबसे ज्यादा लोगों को यही फोन चाहिए क्योंकि सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन यही होने वाला है इस सेल के अंदर। आईफोन 13 सीरीज आपको देखने मिल जाएंगे अमेजोन के ऊपर और इसकी प्राइस आपको देखने मिलने वाली 42 से लेके 45,000 के बीच में, जो कि आईफोन 13 के हिसाब से बहुत ही अच्छी प्राइस है। और मेरा तो यही कहना है कि अगर आपको आईफोन लेना ही है तो आप आईफोन 13 ही लेना इस सेल के अंदर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। और अगर बात करें आईफोन 12 की, तो आईफोन 12 आपको देखने मिलेगा 34 से 35,000 के बीच में। लेकिन इस आईफोन के अंदर एक प्रॉब्लम है, जो कि है इसकी स्टोरेज। इसके अंदर आपको 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने मिलती है। अगर आप इतनी स्टोरेज के साथ काम चला सकते हो तो आईफोन 12 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है और ये भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन की कैटेगरी में आता है। इसकी डिजाइन वगैरह सब कुछ बहुत ही कमाल का देखने मिलता है और एकदम ही अच्छा फोन है ये इस प्राइस रेंज के ऊपर। बस इसकी जो स्टोरेज है वो थोड़ी सी कम है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप 128 GB वाला वेरियंट ले लोगे, तो 128 GB वाला वेरियंट आपको 40,000 का देखने मिलता है, जिसमें 1 से 2 हज़ार मिलाते ही आपको आईफोन 13 देखने मिल जाएगा, जो कि इससे बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप 128 GB का सोच रहे हो तो आपको आईफोन 13 ही लेना है। और अगर आप 128 GB नहीं, आप 64 GB के साथ काम चला सकते हो, तो आप आईफोन 12 के साथ जा सकते हो। और अभी बात करते हैं इस सेल के सबसे सस्ते आईफोन की, जो कि है आईफोन 11। आईफोन 11 आपको देखने मिलेगा 25,000 रुपीज की रेंज में। आईफोन 11 को आप बाय कर सकते हो 25,000 का, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, जो कि है इसका 4G होना। इसके अंदर आपको 4G कनेक्टिविटी देखने मिलती है, तो जिसकी वजह से आप 5G यूज नहीं कर पाओगे इस स्मार्टफोन के अंदर। और दूसरा ड्रॉबैक है इस स्मार्टफोन का, जो कि है इसकी डिस्प्ले। इसके अंदर आपको IPS डिस्प्ले देखने मिलती है, इसके अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं देखने मिलती, जो कि बाकी आईफोन्स के अंदर देखने मिलती है। लेकिन अगर आपको पहला आईफोन लेना है तो ये 25,000 में आपको बहुत ही अच्छी डील देखने मिलेंगी। तो ये थी कुछ प्राइस एक्सपेक्टेशंस, जो कि आपको आने वाली बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के अंदर देखने मिलेंगी। इसी के आसपास में आपको सारे आईफोन की प्राइस देखने मिलने वाली है और यही सबसे बेस्ट टाइम है आईफोन को बाय करने का। अगर बात करें प्रो मॉडल्स की, तो प्रो मॉडल्स के ऊपर मैं कोई अलग वीडियो बनाऊंगा, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना।